गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या बात है, आज कोई नहीं आए? आई वॉज वेटिंग फॉर एवरीबडी, समबडी विल कम बट नोबडी इज हियर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप ही मैसेज कर रहे थे राज? नो सर, मैंने किया था सर। आपने? कौन? तरुण? अच्छा, सबका फेस्टिवल तो कुमारी चल रहा है। चलो कोई नहीं, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर पिछले क्लास में सर लैन वैन ये सब के बारे में डिस्कस हो रहा था, सेन तक हुआ था डिस्कस, बोले थे कि अगले क्लास में और उसके बारे में। अगले क्लास में उसके बारे में और पढ़ेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो चुका था, तो बोले कि अगले क्लास में और डिटेल्स में पढ़ेंगे उसको। तो सैन मैंने जब एक्सप्लेन कर दिया होगा तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क तो हो गया है ना? यस सर। ओके, ठीक है ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। नाउ आफ्टर सैन नेक्स्ट टॉपिक इज डिवाइसेस, ठीक है? यस सर। सैन के बारे में नहीं? हाँ सर, सैन और पैन के बारे में बताया नहीं जाता सर, और टोपोलॉजी खत्म करके सिर्फ लैन कैन के बारे में बताया गया था कि नेक्स्ट क्लास में ये होगा, बताया नहीं जाता मतलब। अच्छा ठीक है, टाइप्स ऑफ ठीक है। यानी लैंड मैन वैन ये सैन आपका डी, ठीक है। अच्छा चलिए कोई नहीं। अब जैसे कॉमनली हम लोग जो है नेटवर्क में ये समझ लेते हैं कि ये लैंड है या ये वैन है, और थियोरेटिकली जाए तो मैन के बारे में, उसके अलावा भी कुछ टाइप हैं जैसे कैन और पैन। कैन यानी कैंपस एरिया नेटवर्क, पैन यानी पर्सनल एरिया। तो इफ यू विल सी द नेम तो जस्ट ऐसा लगता है कि हाँ जहां पे जैसा नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लेकर के इसमें ऐड कर दिया गया है ना? जैसे कैंपस में बना नेटवर्क कैंपस एरिया, पैन हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेरा खुद का नेटवर्क अपना, ठीक है। लेकिन इन सब में एक न्यू टर्म, नॉट न्यू, अब तो न्यू नहीं था, मतलब जो इस ये बहुत पुरानी जो कॉन्सेप्ट थी उसमें एक नई चीज ऐड हुई, वो है सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नाउ अब ये नेटवर्क कहने का मतलब क्या होता है? नेटवर्क कहने का मतलब है
कि हमारे नेटवर्क का वो पर्टिकुलर पार्ट जहां पे ह्यूज डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी हो, दैट पार्ट इज नोन एज सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क. फाइन, दैट पार्ट इज नोन एज सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क. अब ऐसा एक डायग्राम भी सामने है, लेकिन फिर भी आप लोगों का ऐसा कोई माइंड में कॉन्सेप्ट या आइडिया आता हो कि सर ये होगा सैन, ये नेटवर्क का हिस्सा होगा जहां पे डेटा सारा स्टोर होगा? सर वो जैसे कि सर मल्टीपल नेटवर्क को बनाते हैं, उसको एक सेंट्रलाइज्ड जगह पे उसका स्टोरेज एरिया वहां पे ऑर्गेनाइज करते हैं, और वहां से उनको ना डिस्ट्रीब्यूट करता है डेटा लाइक. हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फाइन, जहां पे मल्टीपल नेटवर्क का कनेक्शन हो और हर नेटवर्क का डेटा जो है सेंट्रलाइज किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में रखा जाता हो और जहां से हम उसको एक्सेस करते हो. ठीक है, और कोई एक जन बोल रहे थे? और कोई एक जन बोल रहे थे? बोलिए सर. ओपिनियन आपके मेरे लिए हमेशा वो बहुत आदरणीय है. मोस्ट वेलकम. बोलिए सर. पिछले क्लास में बता रहे थे जैसे कि सर पटना का जितने सारे लोकल डाटा है, जैसे जितने सारे गवर्नमेंट का जो भी डाटा है, एक सॉफ्टवेयर ऑफिस में रखा गया, जहां मतलब एक लोकेशन बताए थे साईं मंदिर के पास, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाला जो जगह था. और फिर से एग्जांपल लिए थे उसमें बोरिंग रोड ब्रांच और हम लोग का पीपी पाटलिपुत्रा ब्रांच, राजापुर ब्रांच, सबका यदि हेड ऑफिस बना दिया जाए बोरिंग रोड ब्रांच को, तो सारा डाटा बोरिंग रोड ब्रांच पे स्टोरेज करेंगे, वहां एक हमें स्टोरेज यूनिट बनाना पड़ेगा. हाँ, तो लगता है मैंने सैन आ दिया. एनीवे चलो yes, कोई नहीं. बट एक जन रोहित का कंसर्न आया कि नहीं पढ़ाया था. एनीवे कोई नहीं, कोई नहीं, चलो पता नहीं दिस. हाँ चलिए, कोई नहीं, तो चलिए पढ़ लेते हैं. इन शॉर्ट तो ठीक है, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है ऐसा ही होता है. ठीक है, अब जैसे मैंने जो एग्जांपल पुट किया था लास्ट क्लास में बिहार के डेटा सेंटर का, हमारे बिहार का जो डेटा सेंटर है वो मैंने बताया था, ये आपका जो सेक्रेटेरिएट है पटना का, बिहार सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट सचिवालय, सचिवालय के पास ही है आपका टेक्नोलॉजी भवन, जिसको विश्वेश्वरैया भवन के नाम से भी जानते हैं. वो हमारे बिहार का डेटा सेंटर है जहाँ पे सारे डेटा स्टोर होते हैं, बहुत सारी चीजों का, आईटी बेस बहुत सारी चीजों का वो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल बिल्डिंग है. ठीक है, अब डेटा को इस तरीके से स्टोर करने का मोटो क्या? स्टोर करने का मोटो ये है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, थोड़ा डेटा इधर रखा है, थोड़ा डेटा उधर रखा है, नहीं, सारे डेटा एक लोकेशन पे हो और वो लोकेशन भी सिक्योर हो. दूसरा, इजीली एक्सेसिबल भी हो, क्योंकि किसी भी चीज को सिक्योर कर देने का मतलब ये नहीं होता है कि खुद भी एक्सेस करने चाह रहे लीगल वजहों से भी, या हमें डेटा की नीड है उस वक्त भी बहुत सारे नखरे उठाने पड़ रहे हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, नहीं, इजीली एक्सेसिबल भी हो, हाईली सिक्योर भी हो, दोनों चीजें. तो इसलिए डेटा सारा यहाँ पे स्टोर होता है. ठीक वही मैंने एग्जांपल पुट किया था कि फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज के ही मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, उनमें से मैंने चार बिल्डिंग को इधर इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, पाटलिपुत्रा ब्रांच की बिल्डिंग या राजापुल या विवेकानंद एंड देन बोरिंग रोड. बोरिंग रोड हमारे कॉलेज का जितना भी कॉलेज है सबका हेड ऑफिस है. तो इस हेड ऑफिस को सारे बाकी के ब्रांचेस से कनेक्ट कर दिया जाए और उसके बाद बोरिंग रोड ब्रांच में ही डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी डाली जाए, तो वैसे केस में हर ब्रांच में हो रहे काम का, काम से जो भी डेटा जनरेट होगा वो डेटा आकर कहाँ स्टोर होगा? बोरिंग रोड में. और फर्दर फिर कभी जरूरत पड़ी किसी भी ब्रांच में किसी भी स्टूडेंट को, तो वो उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड उधर मिल सकता है. यानी कि सेंट्रलाइज स्टोरेज भी हो गया और इजिली एक्सेसिबल भी हो गया. yes, ये जो मोटो माइंड में आता है
तब हमें दिखता है कि हमारे नेटवर्क का एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो स्पेशली डेडिकेटेड हो स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए। और इस स्टोरेज मैनेजमेंट में क्या टर्म्स आता है? तो टर्म्स आता है कि एक तो स्टोरेज यूज कर सके, तो यूज स्टोरेज तो नॉर्मली आप देखते हैं आपके लैपटॉप में भी 1 TB 2 TB हार्ड डिस्क होती है, तो यानी कि मल्टीपल हार्ड डिस्क लगे हों ऐसे 2-2 TB कहीं 50 लगे हो 100 लिख रहे हो एज पर रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर हो उसकी लिंकिंग यानी कि कनेक्शन कुछ इस तरीके से हो कि ये काफी हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सके, चाहे वो डेटा स्टोर हो या स्टोर डेटा एक्सेस हो। जब हम इस तरह का कॉन्सेप्ट माइंड में लाते हैं तो वैसे केस में हम जिस जो नेटवर्क डिजाइन करते हैं वो नेटवर्क हमारा SAN होता है। और SAN के केस में मोस्टली अगर हम कनेक्शन और स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के लिए स्पेशली स्टोरेज सर्वर लगाया जाता है और कनेक्शन फाइबर के बेसिस पे दिया जाता है, जिससे जिससे स्टोरेज प्रॉपरली मैनेज हो विद द हेल्प ऑफ सर्वर। एंड फाइबर का कनेक्शन है तो हाई स्पीड से डेटा का ट्रांसमिशन हो, ठीक है? यस सर। अब इस SAN को थोड़ा सा अगर और थोड़ा वाइड सोचेंगे तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे कंपनियों को रिस्क फील होने लग गया कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसके ऊपर काम करते हैं, और ये डेटा कभी करप्ट हो जाता है, कभी एक्सेस नहीं हो पाता है, तो कभी कभी इंटरनल लोगों की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, डेटा थेफ्ट जिसको बोलते हैं, और भी कुछ इश्यूज खड़े होते हैं। जैसे इंजीनियर्स, फॉर एग्जांपल इसमें से एक इंजीनियर राज वर्मा जिसने सारा कुछ डिजाइन किया, लेकिन वो बंदा मूव कर गया कंपनी से किसी वजह से। अब कंपनी से मूव कर गया तो वैसे केस में दूसरा इंजीनियर चाहिए, दूसरा इंजीनियर रोहित कुमार को रख दिया। रोहित कुमार आया, अब उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, अब वो पुराने वाले सारे कॉन्सेप्ट को समझेगा तब वो यूज करेगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स। उसके बाद तरुण आया, तरुण थोड़ा सा मैलिशियस माइंड का था, वो कंपनी के डेटा के साथ इधर उधर करना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीजें। ये एक डिपेंडेंसी हो जाती है इंजीनियर के ऊपर और इंजीनियर की मेंटालिटी के ऊपर। तो कंपनियों ने अब किसी स्टोरेज को मूव करा दिया कहां, क्लाउड के तरफ। तब तक में क्लाउड सर्विस भी आ गई, तो हुआ कि ठीक है लोकली हमारा डेटा रहेगा हाँ, लेकिन हम जो मेन कॉपी है डेटा की वो रखेंगे क्लाउड। बहुत तरह के कॉन्सेप्ट हैं इसमें। तो क्लाउड, अब क्लाउड में आप लोग बखूबी समझते हैं क्लाउड सर्विस। क्लाउड कोई डेटा स्टोरेज की सर्विस नहीं देता है, इसके साथ साथ बहुत सारे और भी सर्विसेज हैं। क्लाउड पे रखा हुआ डेटा वो आपको एश्योर करते हैं, आपको SLA साइन करके देते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट बोलते हैं उसको, कि आपकी डेटा इस तरीके से सेफ रहेगी, इस तरीके से एक्सेसिबल रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये चीज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्या होता है, कैसे क्लाउड डिजाइन होता है। खैर, अभी शॉर्ट में कि क्लाउड पे हम डेटा को, और ऐसे भी हम लोग में से अब आज के डेट में हर यूजर जो है क्लाउड पे डेटा रखता है। कुछ लोग समझते हैं इस चीज को, कुछ लोग ना समझ के भी क्लाउड यूज करते हैं, है कि नहीं? यस सर, यस सर। अब ये बात थी SAN की, इसीलिए SAN का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से फैला और हर आपका ऑर्गेनाइजेशन अपना SAN, पब्लिक SAN, हाँ किसी भी तरीके का हो डेटा स्टोर करके रखती है। फाइन, नाउ ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अलग अलग नेटवर्क है। अब हमने टोपोलॉजी समझ लिया, टोपोलॉजी में के बेसिस पे बनने वाले डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स को समझ लिया। एंड अब इस नेटवर्क को समझने के बाद अब बारी आती है कि इस नेटवर्क में कुछ अलग से भी डिवाइसेस लगते हैं। हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेन कंपोनेंट कंप्यूटर तो है, छोटा या बड़ा जैसा भी हो कंप्यूटर तो है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसको हमने टाइम टू टाइम टोपोलॉजी के केस में
जिक्र भी किया। अब उन डिवाइसेस को समझने की बारी है, उनमें से भी कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट डिवाइसेस, ठीक है? यस, ओके। नाउ डिवाइसेस में सबसे पहला जो कंपोनेंट मैंने डाला है वो है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम लोगों ने अपने हार्डवेयर के सेशन में भी अच्छे से समझाया, ठीक है? अब ये एनआईसी का काम क्या है भाई? नेटवर्क से कनेक्टिविटी देना, चाहे वो नेटवर्क किसी भी तरीके का हो, वायर्ड हो, वायरलेस हो, दोनों से कनेक्शन देना। तो जब दोनों से कनेक्शन की बात आएगी तो दो तरह की एनआईसी भी हो जाएगी, एक वायर्ड एनआईसी, एक वायरलेस एनआईसी। तो वायर्ड एनआईसी पे RJ45 पोर्ट होगा और वायरलेस एनआईसी तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे वर्क करेगी, ठीक है? एनआईसी में ही मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस यानी कि हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, उसी के डिफरेंट नेम है। हमारे एनआईसी चिप पे या एनआईसी कार्ड पे एक रॉम होता है, रॉम में ही एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही ये डाला जाता है कि इस एनआईसी का मैक एड्रेस क्या होगा, इसलिए इसको हम लोग फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। ये फिजिकली एनआईसी में प्रेजेंट है। अगर हमारी मशीन में एक से ज्यादा एनआईसी है तो एक से ज्यादा मैक एड्रेस हो एज पर नंबर ऑफ एनआईसी। अगर हमारे मशीन की एनआईसी बदल दी जाती है तो मैक एड्रेस भी बदल जाएगा, फाइन? यस सर, यस सर। अब ये एनआईसी का जो मैक एड्रेस है, ये मैक एड्रेस ओएसआई रेफरेंस मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। जब ये डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है तो इसका मतलब हो गया कि ये डिवाइस मैक एड्रेस पे वर्क करती है या मैक एड्रेस यूज करती है, इसका मतलब ये डिवाइस भी किस लेयर की हो गई, ये कंपोनेंट भी किस लेयर का हो गया, डेटा लिंक लेयर का। यस यस सर, है ना? अभी आपने ओएसआई रेफरेंस मॉडल नहीं पढ़ाया, आगे मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी अब अगर हमारी मशीन में किसी एनआईसी कार्ड को अलग से लगाना हो, मान लो इनबिल्ट एनआईसी बिगड़ गई या एक्स्ट्रा एनआईसी की रिक्वायरमेंट, तो वैसे केस में हमारे मदरबोर्ड पे पीसीआई स्लॉट होता है, जिसे हम एक्सटेंशन स्लॉट भी कहते हैं, उस एक्सटेंशन स्लॉट के ऊपर में एनआईसी कार्ड लगाई जाती है, ठीक है? तो वायर्ड एनआईसी हो या वायरलेस एनआईसी हो, हम एक्सटेंशन स्लॉट में लगा सकते हैं, पीसीआई स्लॉट पे लगा सकते हैं, ठीक है? यस यस सर। तो आप लोगों ने अपने अपने मशीन के का मैक एड्रेस देखा है? यस सर, देखे तो है बट याद नहीं, फोन में भी देखे है बट याद नहीं। यस, कोई बात नहीं, वो याद होने वो टेढ़ा हो, ऐसा डेसिमल में याद कैसे रखें, मुझे खुद भी याद नहीं, देखा तो एक बार है ना। तो ये मैक एड्रेस, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे, मैं अपना नेटवर्क कनेक्शन विंडो ओपन कर रहा हूँ, मेरे पास तो मल्टीपल एनआईसी है सर, ये ब्लूटूथ वाला भी एक है, ये आपका वायरलेस का है, ये वायर्ड है, ये वर्चुअल दो एनआईसी है, मेरे पास टोटल 5 है, 5। इसका मतलब है कि 5 मैक एड्रेस भी होंगे मेरे में। कमांड प्रॉम्प्ट सर, अब इस कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं कमांड हिट कर रहा हूँ, गेट मैक। Now see, 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है? ओके, तो गेट मैक कमांड, हाँ देखिए एक बात का ध्यान रखिए, गेट मैक कमांड तभी चलेगा जब आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड, अगर नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तो वैसे केस में आप कमांड रन कराएंगे आईपी
config space slash on, तो आपको मिल जाए कनेक्शन हो या ना, इस तरीके से सबके डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, सारे का स्क्रॉल कर गया है। फाइन, यस सर। ओके, नाउ ये तो बात थी एनआईसी। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ मूव करें। यस सर। अब ऐसा है कि जो हमारा स्टार्ट टोपोलॉजी है, उस स्टार्ट टोपोलॉजी में हमने एमएयू यूज किया, मल्टीपल एक्सेस यूनिट। ठीक है, तो ये मल्टीपल एक्सेस यूनिट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, पढ़ा था हमने। स्विच हब, स्विच हब दो तरह की डिवाइसेस, यही यूज होते हैं। और मैंने बखूबी बताया भी था कि पहले हब यूज हुआ करता था, लेकिन अब हब नहीं, स्विच तो अब स्विच होता है। अब स्विच में ही बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं। अब हमें सिर्फ ये होमवर्क करना होता है कि हमारा नेटवर्क कैसा और उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके का स्विच लें। लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, यानी कि हिस्ट्री की तरफ जाएं तो सबसे पहले टर्म आता है हब। तो हब को समझते हैं। हब स्टार्ट टोपोलॉजी में यूज होने वाला डिवाइस। अब ये हब क्या करता है, एक पॉइंट जोड़ लीजिए, इट जस्ट कनेक्ट मल्टीपल नोड्स, इट जस्ट टर्म जोड़ा है, जस्ट ये मल्टीपल नोड को कनेक्ट करता है एज अ कनेक्टर, एक कनेक्टर की। ठीक है, यस सर। जब एक कनेक्टर की तरह, जस्ट यू समझ लो जैसे वो एक मेन लाइन है, इससे 10 पंखे चलाने हैं, 10 वायर यहां जोड़ दो, इट इज जस्ट लाइक अ कनेक्टर की तरह वर्क करने वाला एक डिवाइस था हब। हब में भी मल्टीपल पोर्ट्स, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू अ पिक्चर, पिक्चर ऑफ हब। No, this is the ये सब तो यूएसबी हब आगे सवाल, यही एक पिक्चर ही है, बढ़िया। क्लिक किया कहीं और दिख रहा है, कहीं और चलिए। अब जूम तो हो नहीं सकता, बस यूं समझ लीजिए, डब्बा देख रहे हैं,
जस्ट लाइक दुबई, ढेर सारे होल नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 and 4, 8, टोटल 8 पोर्ट है इसमें, ठीक है। अब ये हब है, अब जरा सा क्या बताऊं, मेरे को नेट सपोर्ट नहीं कर रहा, बहुत और ये एक स्विच है, फाइन। अब देखिए yes. अगर इसके नेम के ऊपर ध्यान ना दें, क्योंकि यहां पे लिख भी दिया है, तो ये डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा हब है कौन सा स्विच, देखने में सब एक ही है, अंदर का जो सर्किट बोर्ड है उसमें फर्क है, ठीक है। तो हब yes. का आप देख रहे हैं, और ऐसा ही डिवाइस आप बहुत जगह लगा हुआ देखते हैं जहां पे मल्टीपल केबल लगे हुए हैं। अब स्पेशली समझते हैं थोड़ा सा हब को। तो हब क्या करता था, जस्ट कनेक्ट कर देता था नोड्स को, ठीक है। तो जब एज अ कनेक्टर ही वो वर्क कर रहा है, इसका कोई अपना एड्रेस नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन उस तरीके की नहीं है, तो ये फिजिकल लेयर का डिवाइस कहलाया, ओएसआई रेफरेंस मॉडल के फिजिकल लेयर का डिवाइस, जहां पे मीडिया के हब आपका मैक्सिमम 24 पोर्ट तक का अवेलेबल था, जैसा अभी आपने पिक्चर देखा, तो वो कितने पोर्ट का था, 8 पोर्ट का था, मैक्सिमम 24 पोर्ट तक है। अब इस हब के साथ में कंडीशन ये था कि हब से कनेक्टेड जो नोड थे वो जब भी कम्युनिकेट करते थे तो उनको बस ब्रॉडकास्ट करना होता था, जिस डेस्टिनेशन नोड से एड्रेस मैच किया वहां पे डेटा का ट्रांसमिशन होता था, लेकिन हर बार ब्रॉडकास्ट करना ये काम होता था। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर एक पोर्ट का हमारा हब है, उसमें पोर्ट 1 से कनेक्टेड नोड जो है पोर्ट 5 से कनेक्टेड नोड से कम्युनिकेट करना चाहता है तो ब्रॉडकास्ट करे, तो वैसे केस में तो पोर्ट 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8 सारे डिस्टर्ब होंगे, सारे चेक करेंगे कि ये मैसेज मेरे लिए है क्या, नहीं नहीं मेरा नहीं। फाइनली एक्सेप्ट कौन करेगा, पोर्ट 5 वाला नोड। अगली बार फिर जब फर्स्ट पोर्ट से कनेक्टेड नोड कम्युनिकेट करना चाहेगा तो अगेन फिर वो ब्रॉडकास्ट करेगा, जबकि वो फिर पोर्ट नंबर 5 से ही कनेक्टेड नोड से कम्युनिकेट कर रहा है उसके बावजूद। ऐसा क्यों, क्योंकि हब में कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी कि वो याद रख सके कि भैया किस पोर्ट से कौन सा नोड कनेक्टेड है। अगर इस तरह की कोई टेक्निक होती तब तो बार बार ब्रॉडकास्ट की जरूरत नहीं होती। यस सर। तो यही वजह हुई कि हब में हेवी ब्रॉडकास्टिंग होंगे, और जब ब्रॉडकास्ट बढ़ेगा तो हेवी कोलिजन भी होगा। कोलिजन की एक वजह और थी कि इस पे किसी नोड पे ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि कब कौन नोड डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो ओवरऑल हब बेस्ड नेटवर्क में हेवी कोलिजन और हेवी ब्रॉडकास्टिंग। चलो, एक इसका डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक। यस सर। नेक्स्ट कंडीशन आया कि इसकी स्पीड भी कम थी। हाफ, एक तो हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता था, यानी कि या तो ट्रांसमिट करेगा या रिसीव, और दूसरा कि स्पीड भी कम, 10 Mbps। आज के डेट में तो हम इंटरनेट ना यूज करें 10 Mbps स्पीड का, है ना, उम्मीद करते हैं। हाँ, अब जब जैसा yes. सब कर लेते हैं वो अलग कहानी है, बट उम्मीद तो रहती है कि भैया जैसे अभी देखो कितना टाइम लगा पिक्चर खोलने में, लेकिन रोज क्या है कि फास्ट इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल कर रहे थे, तो आज थोड़ा भी डिले हुआ तो लगा कि पका हो रहा है यार, क्लिक किया है हो जाना चाहिए, ठीक है। yes, तो 10 Mbps की स्पीड थी,
अब नेक्स्ट मैटर आता है कि इस हब में एक और प्रॉब्लम थी जो स्टार्टिंग में हब कि जब एक पोर्ट से डेटा दूसरे पोर्ट पे जाता था, फॉर एग्जाम्पल इसी को हब मान लेते हैं, तो देखने में तो सब एक ही। कहने का मतलब कि अगर इस पोर्ट से कोई नोड कनेक्टेड है तो ये फॉर एग्जाम्पल इस पोर्ट से कनेक्टेड नोड को डेटा ट्रांसमिट करता है। तो जब डेटा यहां से यहां गया फुल स्ट्रेंथ के साथ, यहां से यहां गया थोड़ा सा स्ट्रेंथ डाउन हुआ, यहाँ गया थोड़ा और डाउन हुआ, यहाँ गया थोड़ा और डाउन हुआ, और होते होते यहाँ पे ऐसा हो गया और यहाँ तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि सिग्नल स्ट्रेंथ धीरे धीरे रिड्यूस कर दी, ये तो गड़बड़। यस सर। बाद में इसी हब में थोड़ा सा चेंज किया गया और लाया गया एक एक्टिव हब। उस एक्टिव हब में पावर दी गई। पावर देने के हेल्प से क्या हुआ कि जब डेटा को ट्रांसमिट किया तो ट्रांसमिट में जब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे डेटा गई तो दूसरे से तीसरे पर जब जाएगी तो वो रीजनरेट होकर के तब पहुंचेगी इसके पास, फिर तीसरे से चौथे पे तो फिर रीजनरेट होगी पहुंचेगी, फिर आगे बार बार रीजनरेट होगी डेटा, बार बार रीजनरेट होगी डेटा, जिससे सिग्नल का स्ट्रेंथ फर्स्ट से लास्ट तक मेंटेन रहे। ठीक है। यस सर। इसके लिए जो एक्टिव हब आया उसमें अलग से पावर सप्लाई किया गया एन एडाप्टर के, बढ़िया आउटपुट मिला। नाउ एक्टिव हब इज मोर बेटर देन द प्रीवियस हब, और उस प्रीवियस हब को फिर हमने नाम दिया कि वो पैसिव हब था और ये एक्टिव हब है, लेकिन अभी भी हम हब पे ही थे। ठीक है। अब यहीं पे मैटर आता है कि मान लो यही इंटरनेट इसी ब्राउजर का ही स्क्रीन यूज करते हैं, हमने एक हब लगाया तो इतने प्रॉब्लम काउंट कर रहे हैं और ये स्टार्ट टोपोलॉजी को सपोर्ट करने वाला, जिस टोपोलॉजी का फीचर हमने पढ़ा है कि इजीली एक्सटेंड हो सकता है। तो चलो मान लेते हैं स्विच विच नहीं है हमारे पास, हम भी पुराने जमाने में लौट गए, तो हम एक हब और ले आए और हमने अपने नेटवर्क को बढ़ा लिया, फिर और हब ले आए और नेटवर्क बढ़ा लिया, इस तरीके से तीन हब कनेक्ट कर दिए, चौथा हब भी एक कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा ऐसे केस में, क्या कोई प्रॉब्लम आएगी मल्टीपल हब कनेक्ट करने से? स्पीड अप होगा, स्पीड में प्रॉब्लम आएगी, एक हुआ गुड, कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन भी ज्यादा होगा, ब्रॉडकास्ट भी ज्यादा होगा, यानी कि हब बेस्ड नेटवर्क जैसे ही बड़ा, और सर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस भी हो सकता है संभव तो नहीं, वो अभी तो अनऑथराइज्ड एक्सेसिंग तो वो तो स्विच के साथ भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वो ये वहां पे मैटर नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग इसको, क्योंकि ऑथराइज एक्सेसिंग करने का मतलब ही हब के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि ये इसमें फीचर ही नहीं था कि हम कुछ कंट्रोल कर सकें। अब मैटर आता है कि हब बेस्ड हम नेटवर्क को जितना एक्सपैंड करते चले जाएंगे, जितना एक्सपैंड करेंगे उतना ही ज्यादा कॉलिजन, उतना ही ज्यादा ब्रॉडकास्ट और उतना ही ज्यादा सिग्नल का वीक होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब हब बेस्ड नेटवर्क हम ज्यादा इंक्रीज करके मतलब ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते, लेकिन नीड क्या थी कि नहीं वो एक्सपैंड हो, बड़ा नेटवर्क बने, तब इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट डिवाइस इंट्रोड्यूस हुआ, वो डिवाइस थी ब्रिज। ठीक है। यस सर। यस सर। ब्रिज में इस
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा है। देखिए हम लोग भी ढूंढेंगे उस सॉल्यूशन को नेक्स्ट क्लास। ओके सर है। अच्छा यस सर, जस्ट एक मिनट। देखो ओनली फोर मिनट लेफ्ट।